वैसे काफी अच्छा वॉइस आएगा, बहुत प्रोफेशनल सा वॉइस आएगा तो या। और हाँ, ये काफी कुछ चीजों में हेल्प करेगा मुझे। कहाँ दार्जिलिंग जाएगा? क्या दार्जिलिंग जाएगा? अरुणाचल जाएगा। तुमको पता था मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए लेके आया। थैंक यू वेरी मच। ये जैकेट काफी मस्त है, अच्छा लगा, इसको अरुणाचल में पहन के जाऊंगा। अभी जाएंगे बाजार थोड़ा घूमने, इधर उधर लड़कियां देखने, कुछ काम हो सकता है। मीट खाएगा ब्रो, मीट। वी विल बीट द मीट, वी विल बीट द मीट। क्या खाएगा भाई? कुमरा। लौकी है ना, लौकी का दूसरा भाई, दूसरा थोर। थोर। और ये है आज का खाना, ये रहा एनजे के लिए, स्पेशली फॉर एनजे। गोटी 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 जाएंगे, गोटी। ये मेरा जैसा पीसी लेके आना है किसी को। व्हाट्स अप, क्या हाल चाल? तो वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। और आज हम पता नहीं क्या करेंगे, कुछ प्लान वगैरह नहीं है। वैसे क्लासेस खत्म है और कुछ प्लान वगैरह नहीं है। नीचे उतर के बात करते हैं, आ जाओ। हेलो, व्हाट्स अप पीपल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो, आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सुबह सुबह उठकर मुझे ये याद नहीं रहा कि आज क्लास नहीं है, जो कि मैं रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट क्लास जाने के लिए, लेकिन क्लासेस तो खत्म हो ही गया, तो क्लासेस जाना क्यों, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। ओके, एनीवेज आज करने के लिए कुछ खास है नहीं। वैसे सोच रहा हूँ कहीं बाहर चला जाओ घूमने के लिए, लेकिन वैसे इतना खास स्पॉट है नहीं यहाँ पे, फिर भी हमें घूमना ही तो है, और क्या है। तो मैं आपको ओमेगल का अपडेट फिर से दे दूँ। तो ओमेगल का अपडेट ये है कि मैं ओमेगल में अभी भी बैंड ही हूँ, लेकिन मुझे अल्टरनेटिव मिल गया है, जिससे कि आपको देखने को मिलेगा नया सा वीडियो। तो पहले मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको ये पता चले, जहाँ पे आपको पता चलेगा मैं दूसरा कंटेंट भी अपलोड करता हूँ। एनीवेज आपको देखने को मिल जाएगा काफी जल्द, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। काफी जल्द का मतलब ये नहीं कि कल परसों ही, समझ लीजिए, वैसा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, वैसे वीडियो में स्क्रिप्टिंग वगैरह करना पड़ता है। सो अभी काम चालू है, आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी जल्द। यस यस यस। और हाँ, मैं काफी सारे गेस्ट को भी इनवाइट करूंगा, जैसे कि इंग्लिश मेकर हो गया, मेरा काफी सारे दोस्तों को हो गया, जो कि हम लोग एक साथ बैठ के रिव्यू वगैरह करेंगे, वीडियो देखेंगे, जहाँ पे हम लोग एक साथ बैठेंगे, फिजिकली नहीं, ऑनलाइन बैठेंगे। तो सबको इनवाइट करूंगा मैं, तो बीच बीच में इनवाइट करता रहूंगा, आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। यही था कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि आप समझ पाएंगे शायद। और हाँ, बीच बीच में लाइव स्ट्रीम भी होगा, जो मेरा वेबकैम आ जाएगा। हाँ जी, वैसे काफी कुछ सेटअप बाकी है, कमरे पर लाना है और भी कुछ, जैसे कि हो गया आपका लाइटिंग सेटअप हो गया और काफी कुछ हो गया वैसा टाइप का, तो और भी चीजें लाना है, जो कि कुछ दिनों में आ ही जाएगा। एनीवेज तो अभी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते, काफी भूख लग रहा है। तो ब्रेकफास्ट का मतलब यह है कि सीधा लंच के लिए प्रिपेयर करते, वही खाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह छोड़ दीजिए। तो अभी फिलहाल देखते हैं क्या है। टमाटर है, टमाटर का चटनी, और उसके साथ साथ बैंगन, तो बैंगन का भरता थोड़ा ऑड शेप है। नहीं तो मेरा रूममेट चला गया घर, इसलिए अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं खा रहा, दूसरा जो भी वॉलमेट है उधर, जो पास में रहता है, उन लोगों के साथ शेयर करके खाऊंगा। तो अभी बनाते हैं खाना, फिर उसके बाद बातें करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ होता है जाना। हाँ जी, लेकिन इसको पकाएंगे नहीं, इसको जलाएंगे, बैंगन को भी जलाएंगे, और साथ में अंडा भी है, अंडा बॉयल, वो भी डक का, टेस्टी होता है। लेट्स बिगिन। तो फाइनल आउटपुट इज हियर, ये रहा टमाटर का चटनी, जो कि होता है बहुत टेस्टी, मुझे पर्सनली खाना बहुत पसंद है, ये बचपन से खाते आ रहा हूँ, आगे भी खाते जाऊंगा, जब तक बुढ़ा नहीं होऊंगा तब तक खाते जाऊंगा। तो खाना ऑलमोस्ट बन के रेडी है, बन ही गया सारा कुछ, अभी नहीं खाऊंगा, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, लेकिन मुझे एक काम याद आ गया, मेरा कमरा काफी गंदा पड़ा है, किचन भी काफी गंदा पड़ा है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, तो अभी उसको साफ करूंगा मैं, क्योंकि मेरा रूममेट और मुझे दोनों को वक्त नहीं मिलता था, वो भी क्लास जाता था, मैं भी क्लास जाता था, तो उसी बीच वक्त नहीं मिलता था साफ करने को, आज थोड़ा वक्त मिल रहा है, आज साफ करेंगे। और हाँ, तो आज का आगे का प्लान मैं आपको बताते जाऊंगा, अभी कुछ खास करने को है नहीं, फिलहाल हम कमरा साफ कर लेते, वही बेहतर रहेगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा। हाँ जी, तो कमरा और किचन साफ इन 3, 2, 1।
अभी जो मैं केबल लेके आया वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये क्या चीज में यूज होता है और किसके लिए था मैं आपको बताऊंगा कुछ देर बाद। ये कपड़ा खोल लेता हूँ पहले। बेसिकली ये कंप्यूटर का चीज है, ये कंप्यूटर में ही यूज होगा और बाकी कुछ इतना है नहीं। तो इसका यूज होगा ऑडियो इंटरफेस में, ऑडियो इंटरफेस जिसको हम साउंड कार्ड भी बोलते हैं बेसिकली, जो हेल्प करता है हमारा वॉइस को फिल्टर करने में। गिर गया। एनीवेज जो हेल्प करता है हमारा वॉइस को फिल्टर करने में, जिससे कि आपको नॉइज नहीं आएगा आपका वोकल में, तो उसी का ही है। और आपको दिखाता हूँ मैं ऑडियो इंटरफेस कैसा है, एक मिनट। सो दिस इज द ऑडियो इंटरफेस, जिससे कि मेरा वॉइस फिल्टर हो जाएगा। हाँ जी, जिससे कि मेरा वॉइस का इनपुट जाएगा यहाँ से। एंड दिस इज माय माइक्रोफोन एंड XLR केबल, और उसके साथ साथ ये प्रिंटर वाला केबल जो कि इसका पावर सोर्स होगा, और उसके बाद ये यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। सो यही है वो चीज जो कि मुझे हेल्प करेगा अगर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ या फिर कुछ वीडियो वगैरह बनाता हूँ कंप्यूटर में, तो मेरा वॉइस इससे जाएगा। वैसे काफी अच्छा वॉइस आएगा, बहुत प्रोफेशनल सा वॉइस आएगा। तो या और हाँ, ये काफी कुछ चीजों में हेल्प करेगा मुझे। इसको रखते हैं अभी साइड में। वो उधर हॉस्टल का बच्चे लोग पतंग का कॉम्पिटिशन लग रहा है भाई, उधर देखो। तो एक छोटा सा न्यूज है जो कि मैं बताना चाहूंगा, वो क्या है कि मेरा जो वॉलमेट है जो उधर में रहता है इस दीवार का उस पार, तो उसको भी मेरा पीसी देख देख के अभी उसे भी लेने का मन कर रहा है। तो वो मुझे पूछ रहा था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उसे क्या क्या लगवाना पड़ेगा, तो वो सब पूछ रहा था और बजट पूछ रहा था। तो मैंने बताया अप्रोक्सीमेटली 80,000 में काफी मस्त सा गेमिंग पीसी आ जाएगा, काफी मस्त होगा। तो मैंने बताया उसको, तो राजी भी हो गया। उसको कल ही खरीदना है, तो हाँ ठीक है, तो डिसाइड हो गया कल खरीदेंगे। लेकिन कहाँ खरीदेंगे, तो हम लोग को जाना पड़ेगा गुवाहाटी, तो जाके वहीं से परचेस करेंगे, क्योंकि उधर ही सारा कुछ इक्विपमेंट मिल जाएगा, तो बेहतर होगा हम लोग गुवाहाटी जाएं। और प्रॉब्लम ये है गुवाहाटी जाए तो जाए कैसे, क्योंकि हम दोनों के पास है ओनली टू व्हीलर्स, और चार पहिए वाला चाहिए होगा, मतलब कार चाहिए, जो कि सेटअप वगैरह लाना है। तो कार में नहीं लेके आएंगे तो कहाँ पे लेके आएंगे, ट्रेन वगैरह में तो होगा नहीं। तो वही वो भाई ने मुझसे पूछा और मैंने बताया, एक दोस्त है एनजे, तो एनजे का कार हम लोग मंगवा सकते हैं, तो हम लोग एक साथ गुवाहाटी जा सकते हैं। हाँ, तो इसी बीच मैंने कॉल किया एनजे को, तो वो राजी भी हो गया, वो फ्री है कल, और वैसे भी मैं फ्री हूँ, क्लासेस नहीं है, खत्म हो गया, एग्जाम शुरू होगा कुछ दिन बाद फिर से। तो हम लोग निकलेंगे कल सुबह, देखते हैं कितना बजे होता है, लेकिन बहुत सुबह होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जल्दी पहुंचेंगे नहीं, बहुत ट्रैफिक जैम हो जाता है, इसलिए कल सुबह को निकलेंगे। अभी एनजे आ रहा है घर से मेरे यहाँ पर, आज रात रुकेगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, तो मैंने वो लिस्ट बना लिया, कल जाएंगे खरीदेंगे फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन अभी एनजे आ रहा है, उसका वेट करते। 2 hours later आ गया भाई, मैं बहुत कुछ लाने के थे इसके साथ में। तो सबसे पहले ये है स्टैंड, ये माइक्रोफोन का स्टैंड है जहाँ पे माइक्रोफोन लगेगा। दूसरा आता है ये ऑडियो इंटरफेस, तीसरा है XLR केबल, चौथा माइक्रोफोन। अभी इसको फिट करेंगे यहाँ से और मैं बात करूंगा यहाँ से। कल हम लोग कहाँ जाएंगे, गोटी, गोटी, गोटी जाएंगे, गोटी। ये मेरा जैसा पीसी लेके आना है किसी को, तेरा नेबर को, नेबर, नेबर। हाँ, मेरा नेबर को, ये दूसरा वाला नेबर। ये लो, कितना है गिफ्ट, विंटर के लिए, विंटर गिफ्ट, ये लो, विंटर गिफ्ट, थैंक यू। अब इसको करते हैं अनबॉक्स, नहीं तुम करो अनबॉक्स, एंड ऑफ द ईयर गिफ्ट, एंड ऑफ द ईयर गिफ्ट। फाड़ दो अपना दांत से, फाड़ो हाथ से, हाथ से होगा, हाथ। अरे बाप रे, क्या है ये, अरे बाप रे बाप, क्या है ये, कंबल, अरे अरे अरे, जैकेट कहाँ, दार्जिलिंग जाएगा क्या, दार्जिलिंग जाएगा, अरुणाचल जाएगा, अरुणाचल के लिए। थैंक यू, थैंक यू, तुमको पता था मेरे पास पैसा नहीं इसलिए लेके आया ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी हम पहनेंगे, नाइस, कैसा लग रहा है, अच्छा है ना ब्रो, हैंडसम, पीछे से लग रहा है, मस्त है, थैंक यू वेरी मच। ये जैकेट काफी मस्त है, अच्छा लगा, इसको अरुणाचल में पहन के जाऊंगा, मजा आएगा। अच्छा है, तो थोड़ा रेस्ट करने देता हूँ इसको, फिर उसके बाद जाएंगे एक साथ बाजार घूमने, थोड़ा खाने जाएंगे, और खाने के लिए कुछ लेके आएंगे, गेस्ट है तो स्पेशल कुछ लाना पड़ेगा। yes. मीट लाना पड़ेगा सर, देखिए नहीं क्या खाएगा, मीट खाएगा, विल बीट द मीट, डक खाएगा, डक, यस, डक खाएगा, और तभी मैं ये थोड़ा सेट कर लेता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं, मैंने ट्राई किया नहीं अभी तक, इसको ट्राई करना है अभी। इधर मैंने सेट कर दिया है, ये इधर से लगा, ये माइक्रोफोन मेरा, कैमरा इधर से लग जाएगा। हाँ, अभी ट्राई करेंगे थोड़ी देर बाद। कुछ ऐसा बन के रखा है इधर, ये नीचे जाता है ऊपर जाता है, तो ये इधर इसका काम चालू हो रहा है, मैंने कनेक्ट कर दिया है, अभी इसको टेस्ट करना बाकी है। जब ये अच्छा से बन जाएगा तो कल परसों मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पे, थोड़ा बातचीत करेंगे, अच्छा लगेगा। वक्त है बाहर जाने का, अभी जाएंगे थोड़ा घूम फिरने, और उसके बाद चप्पल चाहिए क्या, उसके बाद बाजार जाएंगे। और हाँ, पीसी जिसका है, जिसका बात कर रहा था, यही बंदा है, ये मेरा वॉलमेट, क्या बोले थे, पड़ोसी, नेबर, नेबर, मेरा नेबर, वॉलमेट नेबर, इसका ही है जो पीसी। सुबह 6 बजे निकल जाएंगे बाजार के बाद, आके डिसाइड करेंगे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, मैं लिस्ट बनाऊंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा, अगर किसी को परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, सो अभी लेट्स गो। तो ये है आज का खाना, ये रहा एनजे के लिए, स्पेशली फॉर एनजे।
बहुत बहुत धन्यवाद 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 धनिया लगा के खाएंगे धनिया मार के खाएंगे अभी का अभी जाएंगे बाजार थोड़ा घूमने इधर उधर लड़कियां देखने और कुछ काम हो सकता है जिंदगी में ऑर्डर करेगा ये वाला पोर्क फ्राइड राइस संजय क्या चिकन पकौड़ा हेलो चार चाय एक चिकन पकौड़ा एक पोर्क फ्राइड राइस चाय की चिस्की पी लो पकौड़ा ट्राई करते हैं पकौड़ा खाओगे क्या नहीं खाएगा खाओगे क्या नहीं खाएगा हम खाते हैं नाइस चाय पीना हो गया अभी करते हैं बाजार थोड़ा सा एक याले। क्या खाएगा भाई कुमरा लोकी है ना लोकी का लोकी दूसरा भाई दूसरा थोर थोर वो अच्छा ये सब्जी ले लिया भाई ने एक साथ खाएंगे आज वापिस चलते हैं सो वी आर बैक टू आवर रूम वापिस आ गए बाजार वजार करके उससे हम लोग ने लिया दाल आज चिकन नहीं आज पोर्क नहीं आज डक खाएंगे डक क्योंकि ये वाला काम थोड़ा बाद में होगा और ये फ्यूचर के लिए अभी के लिए नहीं मैं जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ अभी फिलहाल कुछ खराबी वगैरह है तो चेंजेस करके लाना पड़ेगा तो इसलिए थोड़ा बहुत टेस्ट कर रहा था तो फिलहाल हम लोग एक साथ आज खाना बनाएंगे तो अभी खाना बनाएंगे और ये भाई ने शुरू भी कर दिया देखो डक टेस्टी खाना खा लिया खाना हो गया काफी मस्त था ये भाई सो गया इधर हम वो वाला कमरे में सोएंगे निवेश कल जल्दी उठना है 5 बजे उठना है तो गुड नाइट आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा लो था आज क्योंकि सर्दी हुआ था जुकाम हुआ था थोड़ा मन नहीं कर रहा था एनीवेज थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में बाय